बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नया एडवर्टीजमेंट आया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 9 है ये। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 है, ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी सीटें हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीट आपके पास सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फिजिकल, फिजिकल एजुकेशन की फीमेल की सीट है, SST की सीनियर एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है जी। 16वें स्केल की ये सीट है, 16 स्केल की सीट है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है जी, आपके पास होनी चाहिए जी, आपके पास है जी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री 4 ईयर ड्यूरेशन, मीन के MA, MSc या BS किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास हो जो आपका फिजिकल एजुकेशन में है। जस्ट फिजिकल एजुकेशन का MA, MSc या BS फिजिकल एजुकेशन आपके पास है और आप जो ना, और या आपके पास MED है, ठीक है जी, BED MED है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद इसकी बात करते हैं जी, आपके पास जो ना एज लिमिट आपके पास 20 से 33 ईयर है, 20 से 28 प्लस 5 ईयर, जिसमें रिलैक्सेशन लिखी हुई है, टोटल आपके पास 33 ईयर होगी, 33 ईयर इसमें एज लिमिट है जी, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज है 25 हैं, 25 वैकेंसीज हैं। इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बलोचिस्तान वाले और एक्स फाटा और AJK मीन के सारे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद है, सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, उधर ही आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वालिफिकेशन दोबारा सुन लें जी, आपके पास है जी मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में किसी भी जो ना आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, मास्टर डिग्री हो या BS फिजिकल एजुकेशन हो 4 साल वाला, वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ लिखा हुआ है R Grade C MED BED ऑनर्स वगैरह, ठीक है, इसमें R लिखा हुआ है एंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिएगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर जी BED MED भी साथ लाजमी रिक्वायर्ड है, हालांकि उसने ये R लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है इसमें, जो है ना ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो मैंने एंड लिख एंड हो तो फिर ये होता है जी, ये लाजमी है। R का मतलब है कि या आपके पास फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए या आपके पास जो ना MED BED वगैरह आपके पास हो तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी दूसरी है जी एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल फीमेल है, ठीक है जी, इसमें PhD रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। ये आप इस उम्मीद है कि आपको ये जो ना 6 की जो है ना आपकी वैकेंसीज हैं टोटल खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल इसमें जो सीटें हैं, टोटल सीटें जनाब इसमें आपके पास हैं जी, ये है जी आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स की 2 हैं, उर्दू की 2 हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस की भी 2 हैं, और उसके बाद आपके पास टोटल 6 सीटें हैं, ठीक है, 2 मैथमेटिक्स की हैं, 2 कंप्यूटर साइंस की हैं, 2 आपके पास उर्दू की हैं, ये आपके पास सीटें होगी। अगली आपके पास सीट है जी चार्ज नर्स, नर्स की सीट है जी, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो ना आपके पास सिर्फ 1 ही वैकेंसी है और ये सिर्फ बलोचिस्तान वालों के लिए है। नेक्स्ट आप हम देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास सीट है जी, ये है जी इंस्पेक्टर टेक्निकल, इंस्पेक्टर टेक्निकल, ये भी 16वें स्केल की सीट है। और ये जो सारी सीटें हैं ना, इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर ही है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास जो ना 4 वैकेंसीज हैं और BTEC आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिंध वाले और बलोचिस्तान वाले। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास है जी एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस मेल, ये मेल के लिए है कंप्यूटर साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर की, इसमें 1 ही सीट है और इसमें सिंध अर्बन वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सिंध अर्बन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 16वें स्केल की सीट है जी, इसमें भी 1 ही सीट है और पंजाब वुमेन कोटा है, सिर्फ पंजाब वुमेन कोटा है। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है जी जूनियर टाउन प्लानर, जूनियर टाउन प्लानर ये 17 स्केल की सीट है जी, और इसमें जो सीटें हैं टोटल 2 हैं, और इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री इन सिटी रीजनल प्लानिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, और इसमें पंजाब वाले और सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, अब नेक्स्ट आपके पास है जी जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर की आपके पास जो ना जी ये है जी आपके पास टोटल वैकेंसी 2 हैं, ठीक है, और इसमें सिंध रूरल वाले और पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसके उसके बाद आपके पास है जी सीनियर स्टोर ऑफिसर, ये 18 स्केल की सीट है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो अप्लाई कर सकते हैं जी, ये हैं जी आपके पास पंजाब वाले, पंजाब की 4 सीटें हैं और सिंध की जनाब 1 सीट है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है जी, और 25 से 40 साल इसकी एज लिमिट है, 25 से 40 साल इसकी एज लिमिट है, और सेकंड क्लास करा जो आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, MBA या MCOM वगैरह आपके पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, ये 18वें स्केल की वही सीट ऊपर हो गई है। सीनियर टाउन प्लानर, ये भी वही सीट है, टाउन प्लानर के ऊपर 17 की, ये 18 स्केल की सीट थी। उसके बाद जूनियर आर्किटेक्ट,
जूनियर आर्किटेक्ट आपके पास 17 स्केल की सीट है, इसमें आपके पास जो है ना जी ये पंजाब और सिंध वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दो इसमें सीटें हैं और इसके बाद 22 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और मास्टर डिग्री आपके पास आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 17 स्केल की सीट है जिसमें पंजाब की 3 सीटें हैं और आपके पास सिंध की 1 सीट है और खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है, टोटल आपके पास 5 सीटें हैं और 22 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वगैरह या MBA वगैरह आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो कौन सी सीट है जी, नेक्स्ट आपके पास है लाइब्रेरियन की सीट है, लाइब्रेरियन की सीट पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ये है जी स्टाफ ऑफिसर, स्टैट्स स्टाफ ऑफिसर जो ना ये आपके पास हो गया जी, इसमें आपके पास जो 22 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं पंजाब वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, ठीक है जी, और आपके पास है जी बलोचिस्तान वाले, ठीक, इसमें सिंध वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। और इसके जो क्वालिफिकेशन आपके पास है सेकेंड क्लास और ग्रेड सी और हायर मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, इकनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है जी। और अगर मैथमेटिक्स अगर आप पास आए तो आपने BSc में स्टैट आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास आज का एडवर्टीजमेंट था जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास जनाब ये 300 रुपया फीस आपने FPSC की जो ना चलान फॉर्म पे आपने नेशनल बैंक में अप्लाई करना है। अगर आपके पास चलान फॉर्म ना हो तो चलान फॉर्म व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको चलान फॉर्म सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।